मुंबई 1980 सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से दहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए चलो बेटा स्कूल बस आने का टाइम हो गया अच्छा लंच पूरा खत्म करना ठीक है बस में मस्ती नहीं करना हो बाय और टिफिन पूरा खत्म करना हाँ हो सकता है आराधना इस आदमी को सिर्फ जानती हो या उसका दूर का रिश्तेदार भी तो हो सकता है कोई औरत रोज कौन से रिश्तेदार से मिलने जाती है ये फोटोग्राफ्स देखो विनोद इन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में अफेयर होगा तुम दोनों अलग हो गए हो वो अकेली है हो सकता है काम के सिलसिले में किसी से मिल रही हो गार्डन में कॉफी शॉप में काम के लिए देखो विनोद बात सीधी सी है बिना किसी ठोस सबूत के तुम उसे डिवोर्स नहीं मांग सकते इन फोटोग्राफ्स के बेसिस पर ये केस स्टैंड नहीं कर पाएगा क्या तुम्हारे पास कोई भी ऐसा फोटोग्राफ है जिसमें दोनों कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में हो एक पति जो किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी से तलाक चाहता है और एक पत्नी जो उसे आजाद करने को राजी नहीं वो पति विनोद ओसवाल अब अपनी पत्नी आराधना से छुटकारा पाने के लिए उसके खिलाफ एक अफेयर का ठोस सबूत चाहता है जो शायद हुआ था शुरू होता है एक जासूसी का खेल पर वो हालात क्या थे जिनकी वजह से पति पत्नी के बीच इतनी कड़वाहट आ गई थी जसवंत जी आराधना हमें पसंद है अगर आप लोगों की तरफ से भी हाँ है तो हम चाहते हैं कि ये मंगनी जल्द से जल्द हो जाए ताकि हम लोग शादी की तैयारी शुरू कर सकें जी हमें भी ये रिश्ता मंजूर है मैं जल्दी ही पंडित जी से मिलकर मुहूर्त निकलवाता हूँ
भाभी मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं तो क्यों? आज मैंने मम्मी जी को प्रणाम किया तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो मुझसे किसी बात पे नाराज हैं क्या? भाभी कोई तो बात जरूर है, प्लीज बताइए ना। मम्मी जी तुमसे उखड़ी हुई है। मुझसे? लेकिन क्यों? वो शादी में तुम कुछ लेके नहीं आई ना, और तुम्हारे घर वालों ने भी कुछ भी नहीं भेजा, शायद इसलिए। विनोद? हाँ? मम्मी जी नहीं आए? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चा पैदा होने पर भी खाली हाथ चले आए, बधाई दी और चले गए। शगुन वगुन कुछ होता है या नहीं? तो क्या करूं, खुद जाके मांगू उनसे। अरे नहीं लाए तो नहीं लाए, तुम तो जानती हो देना उनकी फितरत में नहीं है। आप ही ने कहा था कि शादी में कुछ भी मत दीजिएगा। कहना पड़ता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सचमुच कुछ नहीं देंगे। शादी के वक्त मांग लेते ना तो अच्छा था, अब उनकी मुट्ठी आसानी से खुलने वाली नहीं है, बड़े बेशरम लोग हैं। तुम चाहती क्या हो मुझसे? उनसे कहो कुछ और नहीं, कम से कम रीति रिवाजों की तो कदर करे। अच्छा होगा ये सारी बातें तुम ही करो। अरे मम्मी जी आइए ना, ओम अभी अभी सोया है। आराधना तुम्हारे परिवार को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, कम से कम हमारे बारे में कुछ तो सोच लेते। रीति रिवाज परंपरा कुछ होता है या नहीं? मम्मी जी आप हमेशा मेरे घर वालों के बारे में इतना भला बुरा क्यों कहती हैं? जानती हैं कि मेरे पापा का बस कपड़ों का एक छोटा सा बिजनेस है, आप लोगों की तरह कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। अगर छोटा सा बिजनेस है तो अपनी बेटी की शादी भी किसी छोटे घर में करते ना। अपनी बेटी की शादी अगर उन्हें बड़े घर में करनी थी तो बड़े घर के रीत रिवाज भी उन्हें समझ लेने चाहिए थे। और फिर शादी ब्याह में पैसा ना हो तो कौन सा ऐसा बाप है जो कर्जा नहीं लेता। लेकिन इनसे तो चवन्नी निकलवाना भी मुश्किल है। तुम्हें पता है मेरे भाविन की शादी में रूपाली के घर वालों ने क्या क्या दिया था? रूपाली भाभी अपने साथ इतना सब इसलिए लेके आई थी क्योंकि उनके परिवार की हैसियत थी। बात हैसियत की नहीं नीयत की है। तुम्हारे परिवार ने हमारी शराफत का फायदा उठाया, उन्होंने सोचा सामने वालों ने कुछ मांगा नहीं है तो हमें भी कुछ देने की जरूरत नहीं है। पर अब ऐसा नहीं चलेगा, तुम अपने बाबूजी से जाके बात करो। क्या हुआ, सब ठीक है? अरे आप कुछ बोलोगी भी? वैसे मां कुछ गलत तो नहीं कह रही? भैया की शादी में रूपाली भाभी के घर वालों ने दिल खोल के दिया था और तुम्हारे घर वालों ने कुछ भी नहीं दिया, ये बात है तो सच ही ना? दहेज जो दिया नहीं गया था, एक परिवार जो इस बात से नाराज था और एक पत्नी जो इस सब में दिन ब दिन घुट रही थी। जैसे जैसे साल बीते मांगे बढ़ने लगी और साथ ही यातनाएं और हिंसा भी। विनोद बेटा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी बाबा मैं आता हूँ। देख बेटा मैं जानता हूँ आजकल तुम बहुत परेशान हो, पर तू ही सोच, हर शादी ब्याह में रीति रिवाज होते हैं जो तेरी शादी में नहीं निभाए गए। अब लेन देन तो हर शादी में होता है कि नहीं? अब तू ही बता, तेरी माँ का नाराज होना गलत है क्या? मैं जानता हूँ पापा। और आराधना वो अपनी जिद पर अड़ी है, अरे एक बार अपनी माँ बाप से बात कर लेगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? तुम तुम्हारे पापा से जरूर बात करोगी, समझे? नहीं करूंगी। नहीं करेगी?
तो और पिटेगी। तुम अपने घर वालों से बात क्यों नहीं करती? तुम्हारे पास और कोई चारा भी तो नहीं? अब ये घर तुम्हारा भी है, यहाँ खुशी खुशी रहना है तो जैसा मम्मी जी कहती है वही करो। आराधना, अपने पापा से एक बार बात करके तो देखो, कब तक क्यों जीत पेड़ी रहोगी? मम्मी कहाँ तुमसे कुछ ज्यादा मांग रही है। दीदी, आपकी शादी को 4 साल हो गए हैं, 4 साल, और अब तक वो लोग आपको इस बात को लेकर तंग कर रहे हैं। हाँ श्रुति, और अब तो विनोद भी उनके साथ हो गए। दीदी चलो, आप मम्मी पापा से बात करते हो, सब कुछ बता देते हैं। नहीं, मैं मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। वापस जाके क्या बोलूंगी? पता नहीं, बस मैं मम्मी पापा को तंग नहीं करूंगी। किस मुंह से वापस आई हो? ये मेरा घर, मेरे पति का घर। ये मत भूलो कि ये घर तुम्हारे सास ससुर का भी है, यहां तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मैं अपने पापा से दहेज के लिए पैसे नहीं मांगूंगी। ठीक है, तो अपनी जिद का नतीजा भुगतो। क्यों नहीं बात कर सकती तू अपने पापा से? तुम्हें अपने माँ बाप से बात करनी होगी। मेरे माँ बाप ने भी तो दहेज दिया था, उसमें गलत क्या है? या तो दहेज लाओ या फिर ये सब भुगतो। यकीन नहीं होता कि जिया जी ये सब कैसे कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये सब कभी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब और सहन नहीं हो रहा। लेकिन बेटा, अब वो तेरा परिवार है। एक औरत की जिम्मेदारी होती है अपने घर परिवार को जोड़ के रखे। मैं तो कहती हूँ दामाद जी से बात करो और इस मसले को सुलझाने की कोशिश करो। ये ताने, ये मारपीट, आखिर कब तक वो ये सब सहती रहती? फाइनली आराधना ने फैसला किया कि वो अब ये सब और नहीं सहेगी। पहले तो वो लोग बस ताने मारते थे, लेकिन फिर कड़वाहट और बढ़ी और बात मारपीट तक पहुंच गई। आपके पति विनोद, वो आपका साथ नहीं देते? मेरी सास ने उन्हें भी ये यकीन दिला दिया है कि वो जो कर रही है वो बिल्कुल सही, और अब विनोद को भी ऐसा लगने लगा है कि दहेज मांगने में कोई बुराई नहीं। वो मुझे मारते और कहते हैं कि जाओ अपने घर से दहेज ले आओ, के साथ साथ उनके बड़े भाई भाविन ओसवाल, भाभी रूपाली ओसवाल और पिता नारायण ओसवाल, इन सब ने मिलकर मेरी जिंदगी नरक बना दी। इनकी शिकायत ले लो, एफआईआर दर्ज करो। सर वो झूठ बोल रही है, हमने उस पर कभी दहेज के लिए दबाव डाला ही नहीं। सर हम शरीफ इज्जतदार लोग हैं, कपड़ा मार्केट में हमारा बहुत नाम है, क्या आपको लगता है कि हम ऐसी हरकत करेंगे? मेरे बेटे से शादी के 8 साल के बाद अब वो ऐसे झूठे आरोप लगा रही है। साफ पता चल रहा है सारा परिवार झूठा है। कोई औरत अपना घर छोड़कर अपने ससुराल वालों पे इस तरह के इल्जाम नहीं लगाती, वो भी शादी के 8 साल बाद। बात बर्दाश्त के हद से पार गई होगी तभी वो पुलिस स्टेशन आई होगी। पर हमने कभी किसी ने उसे मारा नहीं। और दहेज उसके बारे में कभी बात नहीं हुई? वो मम्मी जी कभी कभार बात। इतना काफी है, धन्यवाद। मतलब कि एक दो बार मैंने बात उठाई थी, मतलब सिर्फ कहा था, उस पर कभी दबाव नहीं डाला और ना ही उसे मारा पीटा। 8 साल तक आप सिर्फ बात कर रही थी? यूं ही बातों बातों में जिक्र किया था कि मेरी बड़ी बहू दहेज लाई थी और वो नहीं। आपको जरा भी अंदाजा है
आपका इस तरह से उसके साथ दहेज के बारे में बात करना सेक्शन 498A के तहत दहेज के लिए सताना माना जाता है। पर हमने उसे कभी सताया नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपका बार बार पूछना, सारे परिवार का एक ही बात को बार बार पूछना, क्या ये सताना नहीं हुआ? वो हमारे घर की बहू है तो उसे और उसके परिवार को परंपरा और रीति रिवाजों की इज्जत रखनी चाहिए ना। मतलब आपने दहेज मांगा था? हाँ। आराधना, कि अपने सास ससुर को जेल भिजवाकर तुम्हारी गृहस्थी सुधर जाएगी। मम्मी, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटा, हमसे मशवरा तो कर लेती, बहुत जल्दबाजी की तू। देखो बेटा, ये घर का मामला है, इसे घर में ही रहना चाहिए। पापा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप नहीं जानते मैंने वहां कैसे दिन गुजारे, हर रोज की गालियां, मारपीट। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है पापा, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया। मैं किसी हाल में उस घर वापस नहीं जाऊंगी और ना ही उनकी ज्यादतियां सहूंगी। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि दिन रात सताए जाना कैसा होता है। हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिली गई है, साथ में हमारी गिरफ्तारी की खबर भी फैल गई है मार्केट में। किसी को मोदी खाने के काबिल नहीं रहे हम लोग। सोचा नहीं था कि बहू बात को इतना आगे ले जाएगी। मैंने जमानत की अर्जी कर दी है, कल तक आप लोग की बेल हो जाएगी। फिर आप लोग को केस वापस लेने के लिए आराधना को मनाना होगा, वरना वरना ये केस कोर्ट में लंबा चलेगा। हमें किसी भी तरह से उसे बहला फुसला कर ये केस वापस लेने के लिए मनाना होगा। उसकी हिम्मत तो देखो, अब उसके सामने जाके नाक रगड़े क्या हम? अरे मम्मी, दिमाग थोड़ा ठंडा रखो, अभी अभी हम जमानत पे छूटे हैं और केस अभी बाकी है, 498A का केस है। सबसे पहले तो हमें इस दहेज के केस से छुटकारा पाना होगा, उसके साथ क्या करना है वो हम बाद में देख लेंगे। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, कुछ लेना देना नहीं रखना है उसके साथ, तलाक दे दूंगा। ये तो क्या बोल रहा है विनोद? सही कह रहा हूं भैया, बहुत हो गया, अपनी हद से काफी आगे जा चुकी है वो औरत। अब यहां इस परिवार में उसकी कोई जगह नहीं है। विनोद ने डाइवोर्स पेपर भेजा। आराधना बेटा, मैं तो कहती हूँ अभी भी मान जा, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। नहीं मम्मी, उस घर में कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। मैं ना तो वहां वापस जाऊंगी और ना ही उसे तलाक दूंगी। इतनी आसानी से वो मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। मैडम, मेरी क्लाइंट आराधना ओसवाल को ये तलाक मंजूर नहीं है। वो पहले ही अपने पति विनोद ओसवाल पे डाउरी हैरेसमेंट का केस दर्ज कर चुकी है, उसके बाद ये डिवोर्स की बात उठी। इस केस की अगली डेट अब नवंबर में होगी, तब तक आई होप आप दोनों आपसी रजामंदी से कोई समाधान ढूंढ लेंगे। न तुझे मेरे साथ रहना है, न मुझे तेरे साथ, तो फिर ये नौटंकी क्यों? दे देना तलाक। नहीं, आसानी से पीछा छोड़ दो ताकि तुम झट से दूसरी शादी कर लो। ना तो मैं दूसरी शादी करूंगी और ना ही तुम्हें करने दूंगी विनोद। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साबित करना पड़ेगा विनोद, तब जाके डिवोर्स मिलेगा। उन तस्वीरों में आराधना के साथ नजर आ रहा वो आदमी था कौन? क्या आराधना का कोई अवैध संबंध था जिसके बारे में विनोद को पता चल गया था? क्या ये संबंध तभी कायम हो गया था जब आराधना और विनोद साथ में रहते थे, या फिर दोनों के अलग हो जाने के बाद आराधना की जिंदगी में ये नया आदमी आया था? ये थोड़ी अजीब बात थी कि तलाक का नोटिस मिलने के एक महीने बाद ही आराधना की जिंदगी में प्यार लौट आया था। मम्मी, हम कब घर जाएंगे?
और कब पापा से मिलेगी? पता नहीं ओम, थोड़ा वक्त लगेगा, या फिर शायद हम कभी वापस वहां नहीं जाएंगे। पर मैं हूं ना तुम्हारी मम्मी और पापा दोनों। हाय, हाउ आर यू? हाय, सब ठीक है ना? कौन है ये? होप थिंग्स आर ऑल राइट। सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। मेरे मोबाइल में आपका नंबर स्टोर्ड नहीं है। आप मुझे नहीं जानती, मेरा नाम कपिल है, आपसे बस दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं आपसे क्यों दोस्ती करूँगी और आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं आपको नहीं जानता, चलो एक दूसरे को जान लेते हैं। मैं अजनबियों से बात नहीं करती। हाय कपिल, हियर। अब तो हम अजनबी नहीं है ना? How are you this morning? मैंने आपके मैसेज का जवाब दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ओके, समझ गया, लेकिन अपना नाम तो बता दो। क्यों? मैंने तुम्हें अपना नाम बताया ना, तुम भी बता दो, हम लोग अजनबी नहीं रहेंगे। हार्ड लक। हो सकता है गोल्डन चांस हो। सॉरी, तुम गलत जगह ट्राई कर रहे हो। मैं औरत नहीं, आदमी हूं। मैं 100% बता सकता हूं कि आप आदमी नहीं हो। आपके मैसेज साफ कहते हैं कि आप ना सिर्फ एक औरत हो बल्कि बहुत खूबसूरत भी हो, जैसी आप प्रोफाइल पिक्चर में नजर आती हो उससे भी ज्यादा। बता भी दो कि आपका नाम क्या है? आराधना। लेट्स मीट। क्यों? कम से कम ये तो पता चले कि हम दोनों दिखते कैसे हैं। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हुआ, एक बार मिल तो सकते हैं, अब तो हम दोनों दोस्त हैं ना। तुम चाहते क्या हो? पता नहीं, ये सब मिलने के बाद सोचें। कल हैंग आउट में MG रोड के पास, मैं जानता हूं तुम आओगी। 2:30 बजे मैं इंतजार करूंगा। हार्ड लक। रिमेंबर व्हाट आई सेड, चांस, गोल्डन चांस भी हो सकता है। आराधना, मैं राइट साइड की दूसरी टेबल पर हूं। आपको मेरा नंबर कहां से मिला? दोस्ती करनी थी सो ढूंढ लिया। वैसे आप करते क्या हैं? मैं राइटर हूँ। क्या लिखते हैं? फिक्शन, कहानियां। वैसे आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली अब मुझे चलना चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर द कॉफी। कल
फिर मिलोगी? बात से बेखबर थे कि कोई उनका पीछा कर रहा था और उनकी नजदीकियों को तस्वीरों में कैद कर रहा था। आराधना का पति विनोद उसे एक ठोस सबूत का इंतजार कर रहा था जो उसे जल्द से जल्द तलाक दिलवा सके, लेकिन दूसरी तरफ आराधना भी अपने फैसले को बदलने के बारे में सोच रही थी। कुछ है जो मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताया। अब तुम कुछ भी बताओ आराधना, ये प्यार कम नहीं होगा। अब कोई सच ऐसा नहीं जो मुझे तुमसे दूर कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे तुमसे शादी करने से रोके। बोलो ना आराधना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कपिल मेरा एक 8 साल का बेटा है। मेरे पति मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैं चाहती थी कि तुम्हें सब सच सच बता दूं ताकि कल को तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने तुम्हें चीट किया। मैं भी तुम्हारी तरह शादीशुदा हूं। मैंने पहले तुमसे ये बात नहीं बताई, मैं डर रहा था। मैं अपनी बीवी से अलग हो चुका हूँ। हमारी एक बेटी है, वो लखनऊ में रहती है। मैं अपनी बीवी से डिवोर्स लेने वाला हूँ। हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। हम दोनों मिलके सारी मुश्किलों का सामना कर लेंगे। मैं सोच रही हूँ कि विनोद को तलाक दे ही दूँ। हाँ दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ। क्या फ़ायदा अपने आप को इतना परेशान करने से? अब मैं कोर्ट की अगली हियरिंग में कह दूँगी कि मैंने अपना फैसला बदल दिया। मिस्टर विनोद ओसवाल, क्या आप अब भी अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं? जी हाँ मैडम। क्या आप लोगों में इस बारे में कोई आपसी समझौता हुआ है? मैडम, मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद ओसवाल मिसेज आराधना ओसवाल के खिलाफ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के चार्जेस फाइल कर रहे हैं। इस बिना पर आगे कोई भी समझौता किए बिना मेरे क्लाइंट अपनी पत्नी से जल्द तलाक चाहते हैं। मिस्टर विनोद ओसवाल, आप अपनी पत्नी पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यानी अवैध संबंध रखने का आरोप लगा रहे हैं। हमारे पास सबूत है मैडम। मैडम, मेरे क्लाइंट के खिलाफ ये सभी आरोप झूठे हैं। आपके क्लाइंट के एक आदमी के साथ ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। हमने ये फोटोग्राफ्स अभी देखे नहीं है मैडम। हो सकता है ये इन लोगों के झूठे आरोप हों मेरे क्लाइंट पर दबाव डालने के लिए। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि हम लोगों को एक नई तारीख दी जाए और इन तस्वीरों की कुछ कॉपीज भी। ये कोर्ट अब इस केस को अगली तारीख पर सुनेगी। आपने मुझे इस बारे में पहले कुछ बताया क्यों नहीं? ये सब कुछ डिवोर्स पेटिशन फाइल होने के बहुत बाद हुआ। बल्कि आज तो मैं ये फैसला करके आई थी कि विनोद को तलाक देने के लिए हाँ कह दूंगी ताकि मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। विनोद को पता है कि आपको कोई और मिल गया है? ये आदमी है कौन और विनोद को इस बारे में कैसे पता चला?
currently switched off. The number you have called is currently switched off. भैया, एमजी रोड पुलिस स्टेशन लेने। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सब मुझे फंसाने के लिए किया गया था। मैं हैरान थी कि उसे मेरा नंबर कहां से मिला। लेकिन मैं जज्बाती हो गई थी। शायद एक रिश्ते की निराशा ने एक नए रिश्ते की उम्मीद बढ़ा दी थी। पर अब समझ में आ रहा है कि मुझ पर सिर्फ नजर रखी जा रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि वो कपिल भी इस सब में शामिल था। ये सब उस विनोद की घटिया चाल है। वो मुझे बदनाम करके मुझसे तलाक लेना चाहता है। आपके पास कपिल का एड्रेस है? जी हाँ, कोथरूड में रहता है, राइटर है। ये फ्लैट हमने कपिल यादव को किराए पर दिया था, पर दो हफ्ते पहले वो चला गया। कुछ पता है कहाँ गया? जी नहीं, कुछ बता के नहीं गया। वो एक राइटर था जी, उसने तो यही कहा था। उसे ये फ्लैट सिर्फ 2 महीने के लिए चाहिए था। उसे यहाँ कौन लेकर आया था? जी, हमारा ब्रोकर। हाँ सर, उसने अपना नाम कपिल यादव बताया था। वो तुम्हारे पास कैसे आया? सर, जैसे बाकी कस्टमर्स आते हैं। एग्रीमेंट के पेपर्स नहीं बनाए थे? एक्चुअली सर, उसे वो फ्लैट सिर्फ 2 महीने के लिए चाहिए था। उसने कहा कि वो एक राइटर है, कोई असाइनमेंट था उसका। असाइनमेंट यानी आराधना को फंसाना? सर, हम उसके पति विनोद को लेकर आए। नहीं, पहले उस कपिल यादव को ढूंढो, खबरियों को काम पर लगा दो। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. है कौन ये कपिल यादव? छोटी मोटी जासूसी करता है। ऑफिस भी नहीं है कहीं। हाँ, अखबार में इसका इश्तेहार जरूर निकलता है। इस वक्त कहाँ मिलेगा? नंबर बदलता रहता है साहब, उसका नया नंबर मिला है। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव था, उसे ढूंढना मुश्किल काम नहीं था। उसे काम की तलाश रहती थी, काम मिला उसने कर दिया। उसके लिए ये सिर्फ एक असाइनमेंट था। हेलो, कपिल यादव जी, हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं सतीश गोयल बोल रहा हूँ। मुझे मेरे बिजनेस पार्टनर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या पता करना है? मुझे ऐसा शक है कि वो हमारे बिजनेस राइवल से जाकर मिला हुआ है। आप प्राइवेट डिटेक्टिव हो ना? जी हाँ। उस पर नजर रखनी है, पक्का सबूत चाहिए। जी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें मिलकर बात करनी होगी। मेरे ऑफिस तो मैं नहीं बुला सकता, आप बताओ कहाँ मिल सकते हैं? आज शाम बानेर से आगे हाईवे के पास जो कश्मीर पंजाब ढाबा है, वहाँ 4 बजे। ठीक है, ठीक 4 बजे मैं पहुँच जाऊँगा। इंस्पेक्टर सुभाष काले। तो तुझे आराधना ओसवाल को फंसाने का काम मिला था? चल बोल। सर, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूं, मैं अपना काम कर रहा था। जो किया वो काम था या कांड? सर, मुझे विनोद ओसवाल ने इस काम को करने के पैसे दिए थे। ये अपने पापा के घर में रह रही। आपको शक है कि इनका किसी से अफेयर चल रहा है? मुझे तलाक चाहिए, और वजह चाहे जो भी हो, और मैं वजह ढूंढ के रहूंगा, क्योंकि ये मुझे तलाक देने को तैयार नहीं है।
आपकी बीवी का कोई अफेयर नहीं है। नहीं है, पता है। आपको उसे रंगे हाथों पकड़ना है? हाँ। 1.5 लाख लगेंगे। मुझे सबूत चाहिए। कैसे, क्या, वो सब तुम सोचो। काम करोगे तो 1.5 लाख भी मिलेगा। हो जाएगा। अब से आप मुझे फोन मत करना। मेरा असिस्टेंट निकुंज आपके टच में रहेगा। मुझे विनोद ने आराधना का नंबर दिया था, वो हे चैट पे एक्टिव थी, मैंने उसे मैसेज करना शुरू कर दिया। यहां तो आराधना को फंसा रहा था और वहां तेरा असिस्टेंट निकुंज तुम दोनों की फोटोग्राफ्स ले रहा था। विनोद का है? सर वो किसी काम से शहर से बाहर गया होगा। का बता के तो गया होगा। वो भोपाल गया। उसका फोन क्यों बंद है? पता नहीं सर, हो सकता नेटवर्क एरिया से बाहर हो। तुम दोनों सादे कपड़े में यार नजर रखो, घर वालों को पता है वो कहाँ गया है। प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल यादव और उसका असिस्टेंट निकुंज इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। विनोद ओसवाल अब तक फरार है और पुलिस उसकी तलाश में है। तस्वीरों को देखकर आराधना को गहरा सदमा लगा था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो अब तक उसके सदमे में है। एक अजीब तरीके से शुरू हुआ यह संबंध दरअसल उसके पति की उसे फंसाने की एक घिनौनी साजिश थी। विनोद और उसके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़न का केस अब भी कोर्ट में चल रहा है। कितनी उम्मीदें होती हैं, कितना उत्साह होता है जब हम एक रिश्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं, किसी से शादी करते हैं। जब दो इंसानों के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है तब क्या उसका अंत इतना दुखद, इतना कुटिल होना जरूरी है? अलग होना कभी खुशगवार नहीं हो सकता, लेकिन क्या अलग होने के नाम पर साजिश षड्यंत्र करके एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए इस तरह तोड़ देना जरूरी है? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय। मेरी जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी को फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.com।